हेलो दोस्तों, तो आज देखेंगे कि नेचुरल गैस में इंट्राडे को ट्रेड किस लेना है, क्या कैलकुलेशंस करना है। जो भी ट्रेड फंडर सिस्टम मेरा है उस सिस्टम के हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूंगा। जब भी मैंने एमसीएक्स ऐड कर दिया, ये सब कुछ डेटा लिया है नेचुरल गैस का, ये कैलकुलेशन सिंबल किया है कि वो एक्सपायरी 26 अप्रैल का जो एक्सपायरी उसमें मुझे काम करना है। और 1 तारीख में क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कल आज मार्केट में जो भी हमें काम करना है उस हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। तो वो प्रोसेस मैंने डेट ले लिया है और उसका कैलकुलेशन करके, यहाँ पे हमारा ये कैलकुलेशन करके ये रेंज मैंने निकाल के रखा है। ये कैसे निकलता है, क्या निकलता है, इसका क्या कैलकुलेशन है, इस इसका प्रॉपर ट्रेनिंग मैं देता हूँ, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए फोकस करो, लाइव मार्केट चल रहा है, ये 437 समथिंग, जो 38 से लेके 441 तक ये रेंज में मार्केट में हमें बाइंग करना है। अपना बाय रेंज रहेगा यहाँ पे, अपना ये इस सबसे बाइंग करेंगे, ठीक है। और उसका टॉप लॉस क्या लगाना है, टारगेट क्या लगाना है, ये सब प्रोसेस में यहाँ पे बता दूंगा। यहाँ पे हम बाय करेंगे, ये अपने टॉप लॉस रहेंगे और यहाँ पे ये टारगेट दिखाते हैं, ठीक है। और इसका फाइनल टारगेट क्या रहेगा वो प्रोसेस भी मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, तो वो भी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। ये नेचुरल गैस का अपना कैलकुलेशंस मैंने करके दिखाया है आपके सामने, एंट्री पॉइंट मैंने यहाँ पे छोड़ दिए हैं। ओके, तो एंट्री पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ मैंने एंट्री कैसे प्लॉट किया है। तो ये देखो, एंट्री यहाँ पे 438-39 से लेके ये 437 से लेके 440-41 तक हमें बाय करना था। आज मार्केट ने कंसोलिडेशन करा था, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे बाय किया है, यहाँ मैंने टारगेट मार्क करके रखा है और ये टॉप लॉस मार्क करके रखा है। ये टॉप लॉस कैसे आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे हम यहाँ पे एंट्री करेंगे तो उसका टॉप लॉस लगाना है 429-30 जो भी रहेगा, ओके। 430 पकड़ के लेते, 430 पकड़ के लेते हैं, ओके। और टारगेट निकालने के लिए मैं एक फेज एक्स्ट्रा टारगेट निकालना चाहता हूँ और मार्केट बढ़ा जाए, क्योंकि अब ऑलरेडी 55 समथिंग हो चुका है, तो 450.50 तक जाएगा और 455 तक जाएगा, तो मिनिमम 54 तो आएगा ही आएगा। तो 450, 450 और 455, ये दो टारगेट हमारे रहेंगे आज के लिए नेचुरल गैस के लिए। तो देखो, आपके सामने मैंने यहाँ पे भी टारगेट प्लॉट किया, ये सुबह से हमने ये कैलकुलेशन करके रखा था, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, अभी टारगेट अच्छा नहीं हुआ है, 447 ही हुआ है, ये 50 को जाएगा और फिर 55 आज जाएगा, आज 55 इतना तो कंप्लीट करेगा ही करेगा, ये प्रोसेस रहेगा। इतना सिंपल पैटर्न से काम करना है, दिन का एक ट्रेड, टारगेट या तो टॉप लॉस, इस हिसाब से हमें काम करने मिलेगा। जो मैंने ट्रेड किया था या तो जो हमने कैलकुलेशंस करके मैंने ट्रेड दिया है, तो रन टाइम हम जो ट्रेड करते हैं तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या ट्रेड दिया था आज के डेट में। तो सपोज दैट यहाँ पे मैंने ये ट्रेड फंड के हिसाब से इसका जो ट्रेड दिया था नेचुरल गैस का, अप्रैल सीरीज 431 से लेके 441 ये रेंज में मैंने बाय बोला था, 429 का टॉप लॉस बोला था, ओके। और टारगेट अब बाद में अपडेट करूंगा ऐसा बोला था। और जैसे 11:30 बजे एंट्री हो गया, एंट्री होने के बाद 450 और 455 ये दो टारगेट भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो ये आज देखते हैं, फिर अभी ये हमारा लाइव ट्रेड है, लाइव ट्रेड में देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हमें क्या होता है कि सबसे टारगेट जाता है। 11:30 बजे तक हमने ये एंट्री का पॉइंट बोला था, जैसे एंट्री हो गया फिर उसका टारगेट टॉप लॉस क्या लगाना वो मैंने बोल दिया और वो मैंने यहाँ पे आपको प्लॉट भी करवा के दिखाया। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, किस सबसे होता है, अपना टारगेट अच्छा हुआ कि नहीं हो जाओ, इसका भी मैं आपको रिपोर्ट भेजूंगा, तो आप देखेंगे। और ऐसे ट्रेड लेके सिंपल आपका जॉब बिजनेस करते करते सिंपल सा कैलकुलेशन, 2-5 मिनट का कैलकुलेशन करना है आपका, बहुत ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, नॉर्मल सी चीज में कुछ 2-3 कंडीशन बताऊंगा उतना ही फॉलो करना रहता है। और ऐसे लाइव ट्रेड अगर आपको कंटिन्यू चाहिए तो अपना चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है, एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको एक ट्रेड भी मिलना चालू हो जाएगा और लाइव अपडेट करूंगा। थैंक यू सो मच।